नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय होने के बाद मंगलवार को बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पहली बार राव जवन्नी कोर्ट पेश हुए। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में राव जवन्नी कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे पर उस पर हमला या आपराधिक बल करना, वही 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किया गया था। वहीं बीजेपी नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ट्रायल का सामना करेंगे। और वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने गलती मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गलत नहीं किया है तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो देखिए जब कोर्ट रूम से निकलते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, ये वीडियो देखिए जरा। आरोप तय हो चुके हैं, आपने कहा था अगर आरोप भी तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं, ये मजाक कर रहे हैं आप। आपने जो कहा, आपने जो कहा, हमने आरोप, हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है, ये सारे सबूत। लेकिन आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ा, टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया यार। सर, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, आपने गलती के लिए भी गलती नहीं मानूंगा, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा, गलती नहीं है, आपने कहा गलती नहीं करूंगा, मानूंगा नहीं। हाँ, बोल रहे, साहब बोल रहे हैं, सर बोल नहीं रहे, पूछे, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। हाँ सर, चलते चलते रहो, ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर अभी आपने कुछ रिकॉर्ड मांगा है, समान सबूत है ये है सब, तो पुलिस आपकी सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस CDR और होटल के एड्रेस वगैरह। न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है, अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर 400 पार हो रही है बीजेपी, 400 पार होगी बीजेपी। सर यूपी में क्या समझ, क्या रहेगा सर, 80 में से कितनी, इतना सवाल नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो नहीं मानेंगे। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने गलती मानने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि गलती नहीं किया है तो मानने का सवाल पैदा नहीं होता है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सहयोगी विनोद तोमर भी ट्रायल का सामना करेंगे। बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं विनोद तोमर ने कहा है कि हमारे पास सबूत है, अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती है तो सच सामने आ जाएगा, हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, हमारे पास सबूत है जो सच है वो सामने आ जाएगा। भूषण ने भी यही बात कही कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया उन्होंने और सुनवाई की मांग भी की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं दोष को स्वीकार नहीं करूंगा। अदालत ने मामले के सह आरोपी और WFI के पूर्व जो सहायक है सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि उनके इस आरोपों की वजह से कैसरगंज की जनता बृजभूषण शरण सिंह को क्या सराखों पर उठाएगी या फिर बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। और वहीं आपको बताएं, बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, कहीं ना कहीं उनका ये बयान अब फेल होता हुआ नजर आया। वहीं जब पत्रकार ने बृजभूषण शरण सिंह से पूछ लिया कि आपने बोला था कि अगर उनका आरोप तय हो जाता है तो फांसी लगा लेंगे, तब उस पर भी वो मजेदार जवाब देते हुए नजर आया। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से वो कहते हैं कि शाम को आ जाना, फांसी लगा लेंगे। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, अपने कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो उसको साजिश करार देते हैं। वो बोलते हैं कि 600 किलोमीटर दूर बैठे लोग इसकी साजिश
रच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उसका पूरा ठीकरा वो विपक्ष के ऊपर महिला पहलवानों के ऊपर फोड़ते हुए नजर आते हैं। आप ये वीडियो देखिए जरा किस तरीके से वो बोलते हैं कि 600 किलोमीटर दूर बैठे उनके लोग किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूरी देश की और देश की निगाहें कैसरगंज लोकसभा पर है, ऐसे में नए देश की और प्रदेश की भी है, मेरे दुश्मनों की भी है, तो यहाँ से 600 किलोमीटर बैठ करके हमारी जिंदगी के हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे जो निर्धारण कर रहे हैं उनकी ज्यादा निगाह है, और इसलिए यहाँ की जनता तय कर चुकी है पिछले से ज्यादा वोट से जिताएगी। 287,000 से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार उससे बड़ी जीत करेंगे। तो वो लोग जो लोग आपके दुश्मन है या उनके गाल पर थप्पड़ होगा, ये गाल पर थप्पड़ होगा कि वो तो चाहते हैं हमारी राजनीति खत्म हो जाए, और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है तो सामने आएगा, आपको कोर्ट में खुल करके बोलने का हमको मौका मिलेगा, अभी तक तो हम बोल नहीं पाते थे, एक दायरे के अंदर हमें अपनी बात रखनी थी, अब हम रखेंगे, इनकी धज्जी धज्जी उड़ाएंगे, ये सब झूठे हैं। तो इनको बेनकाब करने के लिए बेनकाब करेंगे इनको, बेनकाब नहीं करेंगे, मानहान का दावा करेंगे इनके ऊपर, गोंडा कचहरी बुलाएंगे इनको, इनके पीछे के भी कोई लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये सारे विरोधी दल हैं हमारे उत्तर। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण सरन सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से सख्त इनकार कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कैसरगंज सीट जिस तरीके से हॉट सीट बनी हुई थी, क्या इस बार बृजभूषण सरन सिंह फिर से अपने बेटे को वहां पर जिता पाएंगे या फिर वो जेल की हवा खाते हुए नजर आएंगे। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।